नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय संख्या 6 में अपने पढ़ रहे थे, जिसके विभिन्न भागों को अपने पढ़ लिया है। मुख्यतः अपने जो टॉपिक चल रहा है इन वीडियोस में वह है कार्यपालिका। कार्यपालिका के विभिन्न भागों के बारे में अपने पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के बारे में और प्रधानमंत्री तथा उसके कार्यों के बारे में या उसकी शक्तियों के बारे में अपने पढ़ लिए हैं। अभी जो हमारा विषय चल रहेगा, टॉपिक चलेगा, वह है मंत्रिपरिषद। ठीक है, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था, उस समय हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम जो पहला कार्य करता है, वह पहला कार्य क्या करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है और उसके बाद उसको क्या है विभिन्न विभागों में बांटता है। तो यह चीज़ देखी थी। अब देखिए, मूल जो संविधान है उसके अनुच्छेद 74 के अंदर मंत्रिपरिषद के बारे में व्याख्या दी गई है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो कि क्या है कार्यपालिका का वैधानिक अध्यक्ष है, उसकी सहायता तथा उसको परामर्श देने हेतु प्रत्येक कार्य में राष्ट्रपति की सहायता तथा उसको परामर्श देने के लिए क्या है एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जो क्या है कार्यपालिका है उसका वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है, लेकिन उसके कार्य में प्रत्येक कार्य में क्या है सहायता करने के लिए जो वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य करेंगे वह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, तो कार्यपालिका में क्या है शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित रहती है, लेकिन परामर्श देने के लिए, सहायता करने के लिए, कार्यों को आगे व्यवहारिक रूप से कार्य करने के लिए क्या गठन किसका गठन किया जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। किसके अनुसार वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 74 के अनुसार वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 74 में ही हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री के पद के बारे में, ठीक है, और उसी में इसका वर्णन हमें को प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी देखिए, यह थी मंत्रिपरिषद, जिसको अपने समझ लिया है और शुरुआत से समझते आ रहे हैं। जब हमने कार्यपालिका के बारे में शुरुआत से पढ़ना शुरू किया था कार्यपालिका के बारे में, तभी हमने क्या है कुछ चीज़ें जानी थी कार्यपालिका के बारे में, कि कार्यपालिका के क्या है मुख्य रूप से दो अध्यक्ष होते हैं या दो प्रधान होते हैं। ठीक है, एक तो वैधानिक प्रधान होता है और एक होता है वास्तविक प्रधान। वैधानिक प्रधान होगा भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, और वास्तविक प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद यह कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो वैधानिक प्रधान है भारत का राष्ट्रपति, उसकी सहायता करने के लिए यानी कार्यपालिका के वैधानिक प्रधान की सहायता तथा परामर्श और व्यवहार में कार्य करने के लिए वास्तविक प्रधान कार्य करेगा, यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कार्य करेगी। ठीक है, तो अगर अपने एक सटीक डेफिनेशन चाहते हैं मंत्रिपरिषद की, कि मंत्रिपरिषद की क्या आवश्यकता है या मंत्रिपरिषद की क्या स्थिति है, तो उसको देखेंगे अभी, जो क्या है अनुच्छेद 74 के अनुसार मिलती है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति और उसको उसके कार्यों राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता तथा परामर्श परामर्श देने हेतु प्रधान मंत्री
यानी जो मंत्रिपरिषद है उसका जो प्रधान होता है, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हेतु मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, या ऐसे लिख सकते हैं जो संविधान के अनुसार है जाएगा, जिसका प्रधान या नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री होगा। यह है मंत्रिपरिषद की अनुच्छेद 74 के अनुसार डेफिनेशन, यानी इसके आगे लिख देता हूं मैं अनुच्छेद 74 के अनुसार, ठीक है। अब इसमें चीज़ क्या रहती है, एक तो चीज़ क्या है, सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है, और राष्ट्रपति की सहायता के लिए या परामर्श के लिए नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, लेकिन संविधान द्वारा अपनाई गई संस्थात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है एक संवैधानिक शासक मात्र है, वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता सहायता और परामर्श देने के लिए, सहायता और परामर्श देने के लिए सारी सत्ता का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगा, और मंत्रिपरिषद को कौन संभालता है, प्रधानमंत्री संभालता है, वही उसको बनाता है, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री की शक्तियों में या उसके कार्यों के समय पढ़ा था, ठीक है। तो सैद्धांतिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है, और वास्तविक रूप से सारी सत्ता में सहायता और परामर्श देने का कार्य करने के साथ साथ व्यवहारिक रूप से सारे कार्य करने के जो कंट्रोल रहता है वो मंत्रिपरिषद का रहता है, किसमें, एक कार्यपालिका में, किसमें रहता है ये सारा कंट्रोल, कार्यपालिका में, ठीक है, और जिसका प्रधान है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसको अपने ऐसे समझ सकते हैं कि कार्यपालिका है, कार्यपालिका के भाग हैं राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, इसके साथ प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद, ठीक है। अब ये सारी की सारी कार्यपालिका जो है वो संचालित किसके द्वारा की जाती है, सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा। सैद्धांतिक रूप से कौन चलाएगा, ठीक है, रूप से सारी की सारी कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति चलाता है, ठीक है। वास्तविक रूप से सारी शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। जो प्रधानमंत्री सारी शक्तियों को किस में बांट के कार्य करवाता है, मंत्रिपरिषद में, जैसा कि हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री की शक्तियों के समय कि सारे विभागों को क्या है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों में बांटता है और कार्य का संचालन करवाता है। तो सैद्धांतिक रूप से सारी शक्ति है राष्ट्रपति के पास, लेकिन व्यवहारिक रूप से सारी की सारी शक्ति आ जाती है प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री वो सारी शक्ति विभागों में बांटकर या मंत्रियों में बांटकर क्या करवाता है, कार्य संचालन करवाता है, कार्य संचालन करवाता है। किसका कार्य संचालन करवाता है, कार्यपालिका का, ठीक है। कहने का आशय है कि कार्यपालिका किसके द्वारा शासित होती है, वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद के द्वारा, ठीक है, यानी उसके कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद करते हैं, ठीक है। तो यह थी बात मंत्रिपरिषद की। अब देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, यानी सेकंड पॉइंट है मंत्रिपरिषद के बाद में। वैसे तो हमने क्या है इस चीज़ को जान लिया है कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है,
लेकिन फिर भी इस पॉइंट के साथ साथ चलते हैं अपने मंत्री परिषद का गठन। देखिए, मंत्री परिषद का गठन जो है वो हमने जैसा कि पढ़ा था कि प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्री परिषद बनाता है। सबसे पहले जब वह चुनाव जीतता है और प्रधानमंत्री की शपथ लेता है तो सबसे पहला जो कार्य रहता है वह क्या करता है, अपने लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण करता है। ठीक है, जो अलग अलग भागों में उसको विभागों में बांट कर कार्य करवाता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा। अब यह चीज पढ़ी थी हमने प्रधानमंत्री के समय, प्रधानमंत्री के कार्य आवश्यकताओं समय। राष्ट्रपति के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति के लिए भी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति कुछ उच्च अधिकारियों की या कुछ खास लोगों की नियुक्ति करता है, उसमें भी क्या है, मंत्री परिषद का नाम था, यानी विशेष मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जैसा कि अपने पढ़ रहे हैं कार्यपालिका के बारे में बार बार कि सारा जो सैद्धांतिक कार्य होगा ना, सैद्धांतिक या फिर वैधानिक तरीके से जो कार्य होगा उस हिसाब से तो क्या है, सारा कार्य कर कौन रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन वास्तव में वो कार्य कौन कर रहा है, वास्तविक रूप में वो सारा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। यानी मंत्री परिषद का गठन इन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, आपस में विचार विमर्श करके सुझाव के द्वारा। यानी संविधान के अनुसार अगर माने तो क्या कहा जाएगा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सुझाव अनुसार मंत्री परिषद का गठन करता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझा हमने भी, इसके बारे में लिख लेते हैं कि जो मंत्री प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, प्रधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यह तो थी प्रधानमंत्री की नियुक्ति जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और दो चीज़ें हैं अपने पास, एक तो है प्रधानमंत्री, एक है मंत्री परिषद। इन दोनों की नियुक्ति करवानी है अपने को। बंदा कौन है, एक है अपने पास राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा, इन दोनों की नियुक्ति करेगा। कैसे, पहले राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की। जैसा कि हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को क्या है, ये अधिकार दिया गया है इस विधान के द्वारा कि वह प्रधानमंत्री चुनेगा। जो भी लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता होगा जिस पार्टी का, उसको वह प्रधानमंत्री के रूप में चुनेगा या सहविवेक से चुनेगा। ठीक है, क्या किया है राष्ट्रपति ने, सबसे पहले प्रधानमंत्री को चुन लिया। ठीक है, अब हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री क्या करता है, चुने जाने के तुरंत बाद सबसे पहला जो कार्य करेगा वह ऑफिशियल वर्क जो करेगा वह वर्क क्या होगा उसका, मंत्री परिषद का गठन। क्या होगा उसका ऑफिशियल कार्य, है मंत्री परिषद का गठन करना। तो इस हिसाब से मंत्री परिषद का गठन किसने किया, प्रधानमंत्री ने। लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करता है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री दोनों का। ठीक है, लेकिन इस बीच में क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाएगा, वह विचार विमर्श करेंगे कि किस मंत्री को मंत्री परिषद में लेना है। जैसा कि हमने प्रधानमंत्री की पावर और कार्यों के बारे में पढ़ा था तो उस समय साफ साफ लिखा गया था कि प्रधानमंत्री क्या करता है, डिसाइड करता है, ही डिसाइड कि कितने मंत्री होंगे और कौन कौन होंगे मंत्री परिषद में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन डिसाइड करने वाला कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यह चीज़ डिसाइड करके प्रधानमंत्री इसको सुझाव देगा, परामर्श देगा राष्ट्रपति को। जैसा कि हमने मंत्री परिषद के समय ही पढ़ा है कि सहायता व परामर्श देने हेतु
ठीक है। तो जो दल का नेता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। तो वह परामर्श देगा किसको? राष्ट्रपति को परामर्श देगा कि ये जो कितने मंत्री हैं और कितने कौन कौन मंत्री हैं उनको क्या करना है, मंत्रिपरिषद में नियुक्त करना है। तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद में करता है। प्रधानमंत्री के समय हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि प्रधानमंत्री इनके विभागों में बदलाव भी कर सकता है और विभागों का बंटवारा भी किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो एक हिसाब से सारे कार्य का सुझाव कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा राष्ट्रपति को, और वह कार्य को ऑफिशियल कौन बनाएगा, आधिकारिक कौन बनेगा, वैधानिक रूप से कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन वैधानिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें क्या है, दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण हैं। ये वैधानिक व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है और ये वास्तविक प्रधान भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद के गठन में पहला पॉइंट था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कैसे होगी, क्योंकि दल का नेता है वह। उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, जैसा कि मैंने बताया था, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सुझाव या कह सकते हो परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने बताई थी या समझाई थी, इस चीज को आप लिख सकते हो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सुझाव से, लेकिन रियलिटी में क्या है, वो वाद्य है राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रधानमंत्री की शक्तियों में कि प्रधानमंत्री ही चयन करता है कौन नेता होगा, कितने होंगे। ठीक है, तो वैधानिक रूप से राष्ट्रपति कर रहा है और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री कर रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अपना मंत्रियों के कार्य विभाजन, मंत्रियों के कार्य विभाजन। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद का जब गठन हो जाता है, मंत्रिपरिषद गठित कर ली जाती है, तो उसके बाद में सारे के सारे कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। क्या क्या कार्य करेगा मंत्रिपरिषद के गठन के बाद? उनका सभापति होगा तो उनके लिए बैठक बुलाएगा, उनका सभापति है तो उस बैठक में क्या विषय होने चाहिए चर्चा के लिए, क्या कार्य होने चाहिए करने के लिए, और उनके कार्यों में विभाजन करने का कार्य भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। यानी अलग अलग विभागों में बांटने का कार्य है मंत्रिपरिषद के, जो मंत्री हैं उनको अलग अलग कार्य बांटने का या विभाग बांटने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा इससे अधिक कठिन कार्य उनके बीच विभागों के विभाजन का किया जाता है। वैधानिक दृष्टि से संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो कार्य का विभाजन के समय प्रधानमंत्री वैधानिक रूप से भी सारी शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, और वास्तविक शक्ति भी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। बस उसको क्या है, वास्तव में क्या है, ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से वैधानिक शक्ति दे रखी है तो प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से सारा किसी को भी क्या है, किसी चीज़ का मंत्री बना सकता है। वास्तविक रूप से उसको क्या है, कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मंत्रिपरिषद में अलग अलग विभागों के विभाजन करते समय। ठीक है,
तो यह चीज़ थी जिसके बारे में अपने प्रधानमंत्री के समय भी पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के लिए अलग अलग विभागों का विभाजन करता है, उनके लिए अलग अलग विभाग बांटता है, उनके कार्य बांटता है ताकि कार्यों को आगे प्रगतिपूर्ण बनाया जा सके। इसके बाद मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं कि जो मंत्री परिषद के मंत्री हैं उनके लिए जो योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में देखिए कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या है। कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, संसद के दोनों सदनों राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी सदन का क्या होना चाहिए, वह सदस्य होना चाहिए, तभी वह मंत्री परिषद का भाग हो सकता है, अन्यथा वह मंत्री परिषद का भाग नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी जब वह मंत्री परिषद में उसका चयन किया गया हो तब वह राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन का मंत्री होना चाहिए चुना हुआ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसी स्थिति होती है कि राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी सदन का वह मंत्री नहीं है तो उसको क्या है 6 माह के अंदर अंदर यानी 6 मंथ्स उसके लिए टाइम होता है कि अगर वह मंत्री परिषद का सदस्य बना है तो उसके लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा, 6 महीने के अंदर अंदर उसको इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, सदन का सदस्य बनना होगा। ठीक है, बिना सदन के सदस्य के मंत्री परिषद में रहने का समय सिर्फ 6 महीने का मिल सकता है। अगर इससे ज़्यादा वह मंत्री परिषद का भाग बनकर रहना चाहता है तो उसको क्या है राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक का सदस्य बनना होगा। अब देखिए 6 महीने का अल्टीमेटम दिया जाता है इनको, दोनों में से किसी एक में इनका चुनाव हो तभी यह सदस्य रह सकते हैं। अगर 6 महीने में वह किसी एक का भी क्या नहीं बन सकते, सदस्य नहीं बन पाते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक का भी वह सदस्य नहीं बन पाते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, तो उनको क्या करना होगा, पद त्याग करना होगा, पद छोड़ना होगा, पद त्याग करना होगा, नहीं तो पद त्याग करना होगा अगर 6 महीने में किसी एक का सदस्य नहीं बन पाते हैं। ठीक है, और वैसे मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता है कि जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं उन्हीं में से क्या है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो योग्यता यह होनी चाहिए मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कि वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य हो। उसके बाद है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। ठीक है, तो पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की 2 शपथें लेनी होती हैं। ठीक है, मंत्रियों द्वारा जो शपथ ली जाती है उसमें 2 शपथें होती हैं, एक तो पद हेतु या पद प्राप्ति हेतु शपथ ली जाती है, ठीक है, और दूसरी गोपनीयता, यानी मंत्री परिषद के अंदर जो विचार विमर्श किया जा रहा है उसकी सूचना किसी अन्य देश या विपक्ष की पार्टी को नहीं देने या गोपनीयता रखने की जो शपथ ली जाती है वह ली जाती है, और दोनों मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति के सामने, यानी यह शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, स्वयं राष्ट्रपति करता है, पद की और गोपनीयता की। किस किस को लेनी पड़ती है, स्वयं प्रधानमंत्री भी यह शपथ लेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों
द्वारा ये दोनों शपथें ली जाती है राष्ट्रपति के सामने पद की और गोपनीयता की। ठीक है, इसके बाद है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल, देखिए मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है, अनिश्चित है, अनिश्चित है। वैसे इसको क्या है, लोकसभा में प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, इसलिए इसको क्या है, लगभग 5 वर्ष तक का माना जाता है, 5 वर्ष तक का माना जाता है। लेकिन मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे संसद में विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, अनिश्चित इसलिए है कि वैसे तो यह अल्टीमेटम रूप में क्या है, एक बार के लिए 5 वर्ष के लिए चुने जा सकते हैं, मंत्रिपरिषद एक बार के लिए 5 वर्ष तक के लिए चुनी जाती है। लेकिन अनिश्चित इसलिए है कि जब तक उसको संसद में विश्वास प्राप्त है ना, तब तक ही वह अपने पद पर रह सकते हैं, मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य करेगी। अगर उसके खिलाफ अविश्वास आ जाता है, प्रस्ताव आ जाता है तो, और वह पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद अपने पद से हट जाती है। मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, यानी सामान्यतः 5 वर्ष तक लोकसभा के कार्यकाल तक ही रह सकती है, यह अधिकतम है, अधिकतम समय 5 वर्ष है। और वैसे 5 वर्ष से पहले कभी भी अनिश्चित रूप से उसको भंग किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वह रहेगा मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। वेतन तथा भत्ते, देखिए भी मंत्रियों को वेतन और भत्ते बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कोई कमी नहीं है उनके पास पैसे की। ठीक है, तो जिसमें क्या है, प्रधानमंत्री कैबिनेट के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों को मासिक वेतन व निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाते हैं, जिनका समय समय पर संसद द्वारा क्या है निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान, वाहन व अन्य सुविधाएँ दी जाती हैं। ठीक है, मासिक वेतन दिया जाता है, ठीक है, मासिक भत्ते दिए जाते हैं, निःशुल्क घर दिया जाता है, वाहन दिया जाता है, ठीक है, उसका पेट्रोल डीजल सारे खर्चा वो भी दिया जाता है, यानी अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। ठीक है, मंत्री बन जाओ ऐसी ऐसा है, ठीक है, खूब ऐसा है, तो ये सारी सुविधाएं उनको दी जाती है। और डिसाइड भी कौन करता है ये सारी सुविधाएं देने का, उनके लिए ये डिसाइड किसने कराया है, ये सारी सुविधा देने की डिसाइड भी संसद द्वारा की जाती है, यानी मंत्रियों के लिए ही ये सारी चीज़ों की सुविधाएं अरेंज करवाते हैं। ठीक है, उनका ही कार्य है, उनको ही पैसा मिलना है, तो इसको लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं वो। ठीक है, पैसे अपने लिए मासिक वेतन बढ़ाते जा रहे हैं, मासिक भत्ते बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मंत्रियों की श्रेणियाँ देख लीजिए क्या हैं, मंत्री जो हैं उनकी श्रेणियों को समझते हैं। मंत्रियों की श्रेणी में क्या है, मंत्री की श्रेणियां 3 तरह की होती हैं, मंत्रिमंडल या कैबिनेट। एक तो होता है मंत्रिमंडल या कैबिनेट, या फिर इसके अलावा होते हैं राज्य मंत्री और इसके अलावा होते हैं उपमंत्री। ठीक है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, यानी मंत्रियों को की श्रेणी जो है उनमें 3 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं, मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य जिनको कहा जाता है प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के होते हैं राज्य मंत्री और तृतीय प्रकार के होते हैं उपमंत्री। तो यह मंत्रियों के प्रकार हैं, श्रेणी के प्रकार हैं, इनको डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या है, मंत्रिपरिषद के विभिन्न कार्यों, उनके गठन या उनके जो कार्य प्रक्रिया है या कार्य संचालित कैसे होता है मंत्रिपरिषद का, उन सभी के बारे में क्या है इस वीडियो के द्वारा नोट्स बनाइए। ठीक है, और इसको तैयार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में अपने जानेंगे कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य कौन से होते हैं,
या राज्य मंत्री कौन है या उपमंत्री कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तब तक के लिए आप इस सभी को रिवाइज कीजिए, ठीक है। यह मंत्रिपरिषद थी जो राष्ट्रपति